हैप्पी दिवाली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनु एंड स्वाती, एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज कहाँ जा रहे हैं बताइए। आपको देख के समझ तो आ गया होगा जो जिस तरह से हम लोग बने ठने हैं। तो आज फिर से इंडियन अटायर और आज जा रहे हैं दिवाली मेला। दिवाली को वैसे टाइम है, 10 दिन है अभी, लेकिन हमारे दिवाली सेलिब्रेशन, या सो दिस इज अ प्री दिवाली सेलिब्रेशन। आइंडोवन में लगा है दिवाली मेला और हम लोग वही दिवाली मेला सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अभी उसका नाम तो आइंडोवन दिवाली मेला है, बट वो अभी वहाँ जाके पता लगेगा कि कैसा होता है, क्योंकि हम लोग तो फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। राइट। वैसे मेला से आपको क्या याद आता है स्वाती? मेला से मेरे को याद आता है शिवरात्रि का मेला और झूले, स्विंग्स बड़े बड़े, वो मुझे तो वो याद आता है। क्यों, तुम्हारा कोई अलग? मुझे याद आता है कार्तिक मेला जो उज्जैन में लगता था। Okay. तो वो ऐसे ठंड के टाइम ही लगता था और वहाँ गराड़ू मिलते थे, गराड़ू भी चले। नहीं तो यहाँ मुश्किल है गराड़ू मिलेंगे, बट लेट्स सी, एटलीस्ट वी विल हैव समथिंग टू ईट इंडियन। यस, और गराड़ू तो वैसे हमको पुणे में भी नहीं मिल पाते थे, तो यहाँ तो भूल ही जाओ। right. और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इंडियन खाने के लिए। मैंने आज सुबह से खाना नहीं खाया, मैंने सोचा शाम को ही अच्छे से खाऊंगी। अब तो हम जा रहे हैं खाने और शॉपिंग करने, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टॉल्स भी होंगे। हाँ, और कुछ शॉपिंग ये हमने सिर्फ जो भी उनका डिस्क्रिप्शन था उससे पता है। राइट। बाकी तो दिखाएंगे हम लोग क्या है वहाँ पे, हम क्या करने वाले, सारी चीजें आपको दिखाएंगे, और क्या हम खरीद रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, और किन लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी के बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हाँ, लेट्स सी हम लोग कुछ फ्रेंड्स बना पाए। वैसे हमारे एक दो फ्रेंड्स है, वो लोग तो आ ही रहे, जो रिसेंटली हम लोगों ने नए फ्रेंड्स बनाए वो तो आ ही रहे, बट हम लोग सोच रहे हैं कि और शायद नए लोगों से हम मिल पाएंगे और नए फ्रेंड्स बना पाएंगे। yes. और आप लोग कमेंट करके बताना कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग जाते हैं और आपसे मिलते हैं मेले के अंदर। हाँ, और एक और कमेंट करना कि आपका मेला का एक्सपीरियंस कैसा है, आप जब मेला सुनते हो तो आपको क्या याद आता है। हाँ, मेले से आपका क्या इंटरप्रिटेशन है ये जरूर बताना। एंड प्लीज कमेंट करो और यार सब्सक्राइब भी करो, लाइक वाइक कर लिया करो यार, हमारे सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो यार, बस देख लेते हो और चले जाते हो, लाइक भी नहीं करते हो, और कमेंट तो भूल ही जाओ फिर। एनीवे, चलो मिलते हैं आपसे। अनु, ये क्या हुआ है भाई? ये अनु को मिला है दिवाली गिफ्ट और इसके सैंडल जो है वो टूट गए हैं। टूट गई है और मैं नंगे पैर चल रही हूँ, मतलब नेदरलैंड्स में यही रह गया था बस मेरे साथ, है ना, कि मेरी चप्पल टूट गई और मैं नंगे पैर यहाँ पे चल रही हूँ। हमारे मोची जी ने वो फेवी क्विक लाया है अभी। अब मेरी चप्पल ठीक होगी। हाँ बोले, चप्पल रिपेयर कर रहा हूँ इनकी, एक तो चप्पल तोड़ लेती है और ठीक मेरे को करना पड़ती है। एक्सक्यूज मी, तोड़ लेती है मतलब? तो चप्पल तोड़ी तुम नहीं है भाई, एक फेवी क्विक लेके आया हूँ, फेवी क्विक तो नहीं है, कुछ और जेल है वो लेके आया हूँ, उससे चिपकाएंगे। लेट्स सी वर्क करता है कि नहीं। फाइनली मेरा सैंडल ठीक हो गया है, मैंने पहन भी लिया, अब मैं काफी आराम से चलूंगी धीरे धीरे, ताकि फिर से ना टूट जाए। और ये इस किसकी वजह से ठीक हुआ? मेरे पति श्रीमान सुरेंद्र सोनी की वजह से। बिल्कुल ठीक। सो मच। आ गए हैं मेले में, ये बैंड दिया है बांधने के लिए, ये बांधेंगे और नाइट क्लब में एंट्री मिलेगी।
गाइस हमारी पार्टी खत्म हो गई है और हम लोगों ने खूब मजा किया और जैसे हम आए थे वैसे अब थोड़े से बिखरे बिखरे से हो गए ऑफ कोर्स और हम लोगों ने आज खूब इंडियन खाना खाया जिसको खाने के बाद वो क्या बोलते हैं हमारी आत्मा तृप्त हो गई है खाने के बाद क्योंकि बहुत सारे स्टॉल्स थे तो ऑफ कोर्स हम लोगों ने बहुत खाया है और खाने के साथ साथ हम लोगों ने डांस भी बहुत सारा किया बहुत डांस किया हम दोनों हमेशा करते हैं हाँ, हम दोनों को डांस करना बहुत पसंद है तो हम लोगों ने खूब डांस भी किया आज और हम लोग काफी सारे फ्रेंड्स से मिले और नए फ्रेंड्स भी बनाए ऑफ कोर्स और मोहित और शिति भी थे और काना भी था तो उन लोग को हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए लेकिन जो हम फोटोज वीडियोस डालेंगे तो आप लोग उनसे मिल लोगे बाकी एक और हम लोग बहुत अच्छे लोगों से मिले जिसके बारे में स्वेटी बताएगा हम लोग मिले हैं मेघा और सौरभ से मेघा और सौरभ को अगर आप लोग नहीं जानते हो सो दे आर ऑल्सो यूट्यूबर्स दे आर वेरी वेरी फेमस यूट्यूबर्स दे आर वेरी फेमस यूट्यूबर्स और उनको एक्चुअली मैं नीचे मेंशन कर दूंगा वीडियो में तो इफ यू डोंट नो देम आप उनका चैनल चेकआउट करो और उनके एक बार चैनल का नाम है देसी कपल ऑन द गो तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस गाइस मतलब बहुत दिनों बाद इतने सारे अपने लोगों के साथ मिलके और अपनी कम्युनिटी में आके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा तो इस व्लॉग को हम लोग अब यहीं खत्म कर रहे हैं अब हम लोग जाएंगे अपने घर और जैसे कि हम लोगों ने जैकेट्स पहने हम लोग वी आर रेडी टू गो नाउ तो हम लोग जा रहे हैं घर अपने और या इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप कमेंट करके भी बताना कि हम लोग कैसे लग रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस